brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और उससे पहले सियासी रैलियों के अलावा भी कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्हें इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक के बेलारी में पुलिस ने 5.60 करोड़ नकद, 3 किलो सोना, 103 किलो आभूषण और 68 पीस चांदी की छड़े जब्त की है। पुलिस ने बेलारी की ब्रूस टाउन में छापेमारी की थी। ये पैसा कमली बाजार में हेमा ज्वेलर्स के मालिक नरेश के घर से मिला है और आरोपी नरेश को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ भी की जा रही है। देखा जा रहा है कि कहीं इनका कनेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं। बेलारी एसपी रंजीत कुमार भंडारू के मुताबिक ये पैसा नरेश सोनी का ही है। कुल 5.60 करोड़ रुपए नकद, 68 चांदी की छड़े, 103 किलो चांदी के गहने और 3 किलो सोना जब्त किया गया है। पुलिस ने कहा है कि हमें इससे संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस को हवाला लेन देन का भी शक है और जांच भी इस मामले में जारी है। पुलिस ने इस मामले में केपी एक्ट की धारा 98 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद आईटी विभाग को जानकारी दी जाएगी। हालांकि अभी इस मामले में ये साफ नहीं हो पाया कि इसका कनेक्शन लोकसभा चुनाव से था या फिर नहीं। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया था। 6 बैगों में 4 करोड़ ले जाने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि इसमें बीजेपी सदस्य और एक निजी होटल के प्रबंधक सतीश, उसका भाई नवीन और ड्राइवर पेरुमल को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि सतीश ने कथित तौर पर तिरुनेलवेली से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नैनिया नागेंद्रन की टीम के निर्देशों के मुताबिक काम करने की बात कबूल की और आगे की जांच फिलहाल चल रही है। चुनाव का माहौल है और ऐसे में कई बार इस तरह की खबरें देखने को मिल जाती है। आचार संहिता लागू है लेकिन फिर भी चोरे छुपे वोट के लिए नोटों का खेल अंदर खाने चलता रहता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।